अपने मेंस के सिलेबस में हमने इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी और इंडियन हिस्ट्री में हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को कंप्लीट कर लिया था और उसकी नोट्स भी आपको दे दी गई थी, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको इंडियन हिस्ट्री में लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको लूसेंट के कुछ पेजेस देती थी उसे लर्न करने के लिए, और उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती थी जिन्हें आपको 3 नंबर के हिसाब से लिखने पड़ते थे, ठीक है। पिछले लेक्चर में अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था, लूसेंट की बात कर रही हूं मैं, वैदिक सभ्यता के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी उसके आप लोगों ने कर लिए थे, ठीक है। आज हम उससे ही कुछ और क्वेश्चन आपको देते हैं जिसका आंसर आपको हमें तुरंत भेजना होगा। क्वेश्चन है, पहला, जय संहिता। जय संहिता। अगला क्वेश्चन है, राजसूय यज्ञ, ठीक है, राजसूय यज्ञ। अगला क्वेश्चन है, अमाजू। अगला क्वेश्चन है, नीवी। अगला क्वेश्चन है, निस्क। निस्क और सतमान, ठीक है। ये हो गए आपके 5 questions। इन questions के आंसर आपको 3 नंबर के हिसाब से हमें लिख करके बताना है, और उसके अलावा आपने वैदिक काल कंप्लीट कर लिया है लूसेंट से, ठीक है। उसके आप आगे बढ़ेंगे 6th point है जैन धर्म। क्या है? 6th point है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में आप अच्छे से रीड कर लेंगे। देखिए, ये आपको ये चीजें जो है 3 नंबर में तो काम आएंगी ही मेंस में, लेकिन मेंस से पहले आपको प्री क्वालिफाई करना होगा, इसलिए प्री में भी ये चीजें काम आएंगी हिस्ट्री के लिए, ठीक है। मेंस के अकॉर्डिंग तो आप पढ़ ही रहे हो, कुछ फैक्ट जो मेंस में कवर नहीं हो पाते वो फैक्ट आपके लूसेंट जीके से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैन धर्म वाला कंप्लीट चैप्टर जो लूसेंट से आपको मिलेगा वो आपको कंप्लीट करना है, और उसके साथ ही वैदिक काल के कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए जा चुके हैं, जैसे कि जय संहिता, राजसूय यज्ञ, अमाजू, नेवी, निष्क और सतमान। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको 3 नंबर के हिसाब से लिख करके हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लेक्चर में आते हैं, अपने टॉपिक में आते हैं। चूंकि समय बहुत कम है इसलिए अब हम अपनी स्पीड जो है वो हम बढ़ाएंगे। तो इंडियन हिस्ट्री में आपने देख लिया था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपने देखा था वैदिक संस्कृति, ठीक है। अब इन दोनों के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति को देखने के बाद, अब हम आते हैं धार्मिक आंदोलनों में, अपने भारत के धार्मिक आंदोलनों में जो ऐसे कई सारे क्षत्रिय हुए, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, इन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की ये जो कर्म कांड थे, ब्राह्मणों की ये जो भेदभावपूर्ण नीति थी, इनके विरोध के लिए एक नए धर्म को उन्होंने प्रतिपादित किया, ठीक है। वो जो उनका नया धर्म था वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं था बल्कि मनुष्य के कल्याण के लिए था, और उन्हीं धर्मों में से एक था हमारा जैन धर्म। आपने उत्तर वैदिक काल में देखा था, ऋग्वैदिक काल में तो इतनी ज्यादा कुरीतियां व्याप्त नहीं थी, उत्तर वैदिक काल आते आते जो समाज था हमारा वो 4 भागों में विभाजित हो गया था, 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। ये वर्ण कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होने लगे थे। मतलब यदि कोई ब्राह्मण के घर में कोई बालक पैदा होता है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, ठीक है। क्षत्रिय के घर में यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। जबकि अगर हम इससे पूर्व की बात करें तो जो जाति बंधन था वो जन्म के आधार पर ना होकर के कर्म के आधार पर था। एक ही घर के कुछ लोग ऐसे थे जो कि ब्राह्मण धर्म में आते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो कि शूद्र धर्म में आते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या होता है कि जो ये धर्म, जो जाति व्यवस्था थी, जो ये वर्ण व्यवस्था थी, ये जन्म आधारित हो जाती है, ठीक है। वैदिकोत्तर काल, ये मैंने वैदिकोत्तर काल क्यों लिखा है, वैदिक प्लस उत्तर, उत्तर का अर्थ मैंने बताया था हिस्ट्री में, उत्तर का अर्थ होता है बाद में, ठीक है। तो वैदिक काल के बाद में समाज 4 वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वाशूद्र में विभाजित हो गया था। समाज में ब्राह्मण विशेषाधिकारों के दावेदार थे, ब्राह्मणों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, चाहे वो यज्ञ की बात हो, चाहे वो किसी भी विधि विधान की हो, चाहे वो किसी भी
लिए कोई परिवार है, अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है तो ब्राह्मणों को बुलाएगा, यदि वहीं पर कोई शूद्र व्यक्ति का प्रवेश हो गया है तो पूरे घर को, पूरे आसपास के क्षेत्र को अशुद्ध मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो समाज में ब्राह्मण वर्ग था वो विशेष अधिकारों का दावेदार था और समाज में सबसे ऊंचा स्थान कौन रखता था? ब्राह्मण वर्ग। सॉरी, शूद्रों को समझा जाता था अस्पृश्य। शूद्रों को क्या समझा जाता था? अस्पृश्य। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है प्री एग्जाम में, ये जो जाति व्यवस्था थी, ये जो वर्ण व्यवस्था थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के आधार पर, ये वर्ण व्यवस्था कब से प्रचलित हुई? अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो कब से प्रचलित हुई, तो ये हुई थी उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, इस तरह वर्ण विभाजन वाले समाज में तनाव उत्पन्न होने लगा। तनाव उत्पन्न होना तो स्वाभाविक बात है, कोई वर्ग ऐसा है जो विशेष अधिकारों से युक्त है, विशेष अधिकार उसको दिए गए, जैसे कि ब्राह्मण वर्ग। कोई वर्ग ऐसा है कि उनको बैठने की भी जगह नहीं दी जा रही है, अगर कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति वहां पर बैठा है और पास से कोई शूद्र व्यक्ति गुजर रहा है तो उस पूरे क्षेत्र को पहले साफ किया जाएगा, पहले शुद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो क्या था, इस तरह की जो वर्ण व्यवस्था थी, इस तरह का जो वर्ण विभाजन हो चुका था, इस वर्ण विभाजन वाले समाज में तनाव उत्पन्न होने लगा था। ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना एक नए धर्म के उद्भव का कारण बनता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ब्राह्मणों को ये जो विशेष अधिकार मिल चुके थे, इन विशेष अधिकारों का दुरुपयोग भी बड़ी मात्रा में किया जा रहा था और इसके तहत इसी कारण से क्षत्रिय वर्ग के कुछ व्यक्ति जैसे कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे व्यक्ति जो है वो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, ना कि जाति मात्र के कल्याण के लिए बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उठ खड़े होते हैं और एक नए धर्म का उद्भव हो जाता है। ठीक है, जैन धर्म के प्रमुख महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और दोनों ने ही ब्राह्मणों की मान्यताओं को चुनौती दी। दोनों ने ही क्या कहा कि ब्राह्मण धर्म में या फिर ब्राह्मणों के द्वारा जो भी कुरीतियां की जा रही है, जो भी कुरीतियां या धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर जो पशुवध किए जा रहे हैं, ठीक है, जो शूद्र व्यक्ति है उसको हर जाने के तौर पर, मतलब बहुत ज्यादा कुरीतियां उस समझ पर व्याप्त थी और उस इन कुरीतियों के विरोध में इन क्षत्रियों ने आवाज उठाई और एक नए धर्म का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। ठीक है, महावीर स्वामी, चूंकि अब हम सबसे पहले हम किस धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैन धर्म में हम महावीर स्वामी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए, जैन धर्म का संस्थापक, पहले तो कुछ ग्रंथों से यह पता चलता था कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी ही है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जैन धर्म के ग्रंथ जो है वो सामने आए, वो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा जब हमने भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत पढ़े थे। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आप कुछ पेजेस लूजन के पढ़ लेना, उसमें आपको जरूर मिला होगा, मुझे आंसर करके जरूर बताएंगे कि ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिससे जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उन ग्रंथों से का अध्ययन करने के बाद, उन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है कि वास्तव में महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और महावीर स्वामी के पहले लगभग 23 तीर्थकर हो चुके हैं, 23 तीर्थकर हो चुके हैं। अब देखिए, इस इनका जो जैन धर्म है इसका संस्थापक कौन रहा और पहला तीर्थकर कौन रहा, ये सारी चीजें आपको लूसेंट में मिल जाएगी, इसी कारण मैं आपको लूसेंट को पढ़ने के लिए सबसे पहले प्रेफर कर रही हूँ। ठीक है, तो महावीर स्वामी के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर और कहा जाए तो एक मुख्य तीर्थकर के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी 599 ईसा पूर्व से लेकर के 527 ईसा पूर्व, डेट भी प्री के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 599 ईसा पूर्व से लेकर के 527 ईसा पूर्व के मध्य तक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। क्या जाना आपने, महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी के अगर जन्म की बात करें
तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो हुआ था बिहार के एक क्षेत्र वैशाली महाजनपदों में से एक था। जब आप महाजनपद पढ़ोगे तो आप आपके सामने इसकी चर्चा की जाएगी। तो बिहार के वैशाली नामक क्षेत्र के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम याद रखना है आपको, ठीक है, कुंड ग्राम में हुआ था। और इनका जन्म जैसा कि आप सबने देख लिया एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, ठीक है। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। पिता का नाम था इनका सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ थे, इनके पिता जो थे वो कुंड ग्राम के राजा थे। जो सिद्धार्थ थे वो कुंड ग्राम के राजा थे। और इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनकी जो माता थी ये लिच्छवी शासक चेटक। चेटक का भी नाम आप महाजनपद काल में पढ़ेंगे। लिच्छवी महाजनपद जो था उसके शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी वंश का एक शासक था चेटक। चेटक की बहन कौन थी? महावीर की माता त्रिशला, ठीक है। पिता की मृत्यु के समय, देखिए जब महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता कौन? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की हो गई थी मृत्यु। और पिता की मृत्यु के समय इनकी आयु क्या थी? 30 वर्ष थी। और तभी उन्होंने संन्यास धारण करने का सोचा और अपने बड़े भाई, इनके बड़े, इसमें लिखा नहीं है, इनके बड़े भाई जिनका नाम था नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई जिनका नाम था नंदीवर्धन, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा ली कि क्या मैं संन्यास धारण करने जा सकता हूं। तो इनके भाई नंदीवर्धन ने इन्हें आज्ञा दे दी और ये 30 वर्ष के पश्चात, इनके पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त करके इन्होंने संन्यास धारण करने की सोची। और संन्यास धारण उन्होंने कर लिया जाकर के और तपस्या करने लगे, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। और उसके पश्चात 13 माह बीत गए। जब ये गए संन्यास धारण करने 13 माह बीत गए और 13 माह के बाद जाड़े के मौसम में, सर्दियों के मौसम में उन्होंने वस्त्रों को त्याग दिया और नग्न अवस्था में इन्होंने तप किया, तपस्या की। किस लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तपस्वी जीवन की तपस्या करते करते लगभग 12 वर्ष बीत गए, ठीक है। तपस्या करते करते लगभग 12 वर्ष बीत गए और 12 वर्ष के पश्चात जंभीय ग्राम, नाम याद रखेंगे, सॉरी 12 वर्षों के पश्चात जंभीय ग्राम के समीप, देखिए जिस ग्राम में इन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस ग्राम का नाम था जंभीय ग्राम। और जिस नदी के तट पर, इन्हें नदी अक्सर पूछी जाती है किससे, गौतम बुद्ध के भी और महावीर के भी, तो जंभीय ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, तीन चीजें याद रखनी है, किस ग्राम के? जंभीय ग्राम के समीप। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य ज्ञान का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है, मतलब दुनियादारी के बारे में उन्होंने सीख लिया क्या आत्मा क्या है, ये सारी चीजें, मतलब ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई इन्हें, ठीक है। तो जब इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई 12 वर्ष पश्चात, इसके बाद इन्हें केवलिंग के नाम से पुकारा गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन प्री में यह भी पूछा जाता है कि जो केवलिन शब्द है ये किस धर्म के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको आंसर क्या देना है? जैन धर्म के लिए, ठीक है। तो केवलिन जो शब्द है ये महावीर स्वामी के लिए पुकारा गया कब? जब 12 वर्षों पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, जंभीय ग्राम के निकट और ऋजुपालिका नदी के तट पर, तब इन्हें केवलिन नाम से पुकारा गया। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के कारण क्या किया? अपने इंद्रियों को क्या कर लिया? अपने वश में कर लिया, अपने इंद्रियों को जीत लिया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति का अर्थ यही होता है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेना। तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल या जीतने के कारण इन्हें जिन कहा गया, जिन, ठीक है। क्या कहा गया इन्हें? जिन कहा गया। जिन शब्द भी पूछा जा सकता है कि किस धर्म से रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा जैन धर्म। और अपने पराक्रम के कारण ये महावीर कहलाए। पराक्रम के कारण, देखिए पहले नाम क्या था इनका? वर्धमान था। महावीर कब कहलाए? अपने पराक्रम के कारण ये क्या कहलाए? महावीर कहलाए। तो आपको क्या याद रखना है कि अपनी इंद्रियों को जीतने के
कारण, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने के कारण ये जिन कहलाए, ठीक है। अब केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण ये केवलिन कहलाए, और अपने पराक्रम के कारण ये क्या कहलाए, महावीर। अब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। जैसे इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो अपने इंद्रियों पर इन्होंने वश कर लिया, ठीक है, अपने इंद्रियों को इन्होंने जीत लिया। उसके पश्चात ये एक नए धर्म अर्थात जैन धर्म की जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जगह जगह पर घूमने लगे, ठीक है। प्रचार प्रसार का इन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया, और महावीर स्वामी ने लगभग इन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए 30 वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु हुई थी, ठीक है। 30 वर्ष के पश्चात ये गए थे ज्ञान प्राप्त करने, तपस्या करने। उसके बाद 12 वर्षों की इन्होंने तपस्या की, और उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब 30 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 42। मतलब ये जब 42 वर्ष के थे तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और अपने जीवन के 30 वर्ष उन्होंने धर्म प्रचार में ही व्यतीत किए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनके जीवन के जो 30 वर्ष बचे हुए थे उसे उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार में ही व्यतीत किया, ठीक है। 527 ईसा पूर्व में, यहाँ पर देखिए 527 ईसा पूर्व तक थे ये, तो 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में एक स्थान है, पावापुरी में इनकी हो जाती है मृत्यु। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे महावीर की शिक्षा जो कि मेंस के एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप फोर्थ पेपर की बात करें मेंस के फोर्थ पेपर में जो एथिक्स का पेपर है उसमें भी महावीर की शिक्षा या जैन धर्म की शिक्षाएं, आदर्श, ये सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम देखते हैं महावीर ने आखिर कौन कौन सी शिक्षाएं दी और कैसी कैसी बातों को पालन करने पर बल दिया, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।